कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा और उसके साथ ही साथ गाइस एक टैटू को भी ऐड करना सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर करना पड़ेगा ओपन। एंड अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी फोटो को इस पर ऐड करेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐड फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और हमारी जो मॉडल है गाइस हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग ये वाली जो फोटो है हम लोग इसको ऐड कर लिया हूँ, और ऐड करने के बाद गाइस इसकी जो बैकग्राउंड है ये रिमूव किया हुआ नहीं है, इसको मैं वन क्लिक में ही यहाँ पर रिमूव करूंगा। तो आप लोगों को ये ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी मॉडल को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और इसको बड़ा करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले साइड में एक इरेजर का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा गाइस, इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर वाले पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर पार्सन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो वन क्लिक में आपकी फोटो की बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगी गाइस। तो यहाँ से कर देंगे हम लोग राइट, और राइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ से भी हम लोग कर देंगे राइट, और राइट करने के बाद अब हम लोग इस पर पीएनजी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फेस को जो है स्मूथ कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गोरा कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा तो इस रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ बहुत ऑप्शन मिलेंगे, तो स्किन टोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को फर्स्ट नंबर में जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका जो फेस है यहाँ पर गोरा हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे राइट, आप देख सकते हैं आपकी बिफोर है एंड आफ्टर है, ऑटोमेटिकली गाइज यहाँ पर जो है फेस गोरा हो चुका है। तो यहाँ से करेंगे राइट। अब राइट करने के बाद गाइज हम लोग एक हेयर पीएनजी को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग ऐड वो वाली जो पीएनजी है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो लेने के बाद गाइस इसे कुछ इस तरह से बड़ा करना होगा और यहाँ से इस तरह से आप लोगों को लगाना होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेते हैं अपने फोटो के हिसाब से, आप लोग इरेज यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ से इस तरह से आप लोगों को छोटा कर लेना है और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। और जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि हमारी जो यहाँ पर हेयर पेंजी है भाई काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लग रही है। तो इस तरह से आप लोगों को लगाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हम लोग अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद गाइज हम लोगों को करना थोड़ा सा इसको साइज़ को हम लोग बड़ा करते हैं, और साइज़ को गाइज बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। एंड लगाने के बाद गाइज हम लोगों को यहाँ पर जो है साइड में एक इरेजर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद गाइज हम लोगों को इस इरेजर वाले ऑप्शन पर आना है, और इसकी साइज़ को आप लोगों को थोड़ा सा कम कर लेना है एंड 50 के आसपास आप लोगों को रखना है। और फोटो को गाइज कुछ इस तरह से जूम करना है, और जूम करने के बाद पहले हम लोग साइड को जो इस तरह से हम लोग रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर से गाइज हम लोगों को साइड से इस तरह से आप लोगों को रिमूव करना होगा। तो आप लोग भी जो है आराम से करिएगा रिमूव, थोड़ा सा टाइम देके करोगे भाई तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की फोटो अच्छे तरीके से बन जाएगी। इस तरह से हल्का हल्का करके आप लोगों को चलाना पड़ेगा गाइज। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम देके आप लोगों को भी करना होगा। और गाइज यहाँ से इस तरह करने के बाद यहाँ से कर देंगे राइट, और राइट करने के बाद यहाँ से भी कर देंगे दोस्तों राइट। अब गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक लाइट पीएनजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग एक लाइट पीएनजी को ले लेते हैं। तो गाइज इस वाली लाइट पीएनजी को लेने के बाद गाइज हम लोग इसको नीचे इस तरह करेंगे, और नीचे करने के बाद यहाँ पर एक ब्लाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आप लोगों को करना पड़ेगा स्क्रीन, और गाइज स्क्रीन करने के बाद इस तरह से कुछ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद भाई क्या ही बताएं, आपकी फ़ोटो जो कितनी कमाल की यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ से कर देंगे राइट। उसके बाद गाइज हम लोग एक डॉन वाली जो पीएनजी दिख रही थी उसको हम लोग इस पर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉ टूल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे ऐड ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा गाइज, तो उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो गाइज हम लोग को यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो डॉन वाली पीएनजी है उसको इस तरह से लेंगे। लेने के बाद यहाँ से राइट करेंगे, और राइट करने के बाद गाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोटा कर लेंगे इसकी साइज़ को, और साइज़ को छोटा करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको लगाएंगे। और इस तरह से गाइज इसको लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसकी साइज़ को छोटा कर लेते हैं। और गाइज यहाँ से इस तरह से करने के बाद आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर हम लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा।
और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर आप लोग साइज़ को इस तरह से एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर देंगे राइट। उसके बाद गाइस हम लोग को नीचे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे गाइस XOR। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको करना पड़ेगा मर्ज। और गाइज मर्ज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक एम्प्टी लेयर को ऐड करना होगा। तो एम्प्टी लेयर को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक एम्प्टी लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से लेना पड़ेगा और यहाँ पर अपनी जो फेस का जो कलर है उसको लेना पड़ेगा। लेने के बाद गाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है ऊपर कर, इसको नीचे ला देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और इसके हिसाब से आप लोगों को लेना होगा। तो फेस उसको थोड़ा सा इस तरह से जूम करेंगे और जूम करने के बाद गाइज यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। भाई क्या ही बताएं, कितनी कमाल की यहाँ पर आपकी जो टैटू नज़र आ रही है। तो गाइज यहाँ से कर देंगे हम लोग राइट, और राइट करने के बाद जो है यहाँ से हमारी फ़ोटो रेडी हो चुकी है। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से काम हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब गाइज हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा एक ड्रॉ टूल का, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेव इमेज। और सेव इमेज करने के बाद हम लोग इस फोटो को लेकर के चलेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर, वहाँ पर अपने कलर को एडजस्ट करेंगे। फोटो को गाइज स्नैपसीड ऐप के अंदर लाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले पेंसिल का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये दोनों लाइन को इंक्रीज करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से कर देना राइट। और देख सकते हैं गाइस फेस पे अजीब टाइप का एक कलर आ चुका है, तो इसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसे स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बीफ स्लिट पर क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल पर क्लिक करके आप लोगों को ब्रश पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, साइज को जीरो रखना है, यहाँ से इस तरह से रिमूव करना होगा। तो हम लोग गाइस यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके का आपकी जो है फेस पर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके की यहाँ पर जो है एक टोन मिल चुका है। तो यहाँ से इस तरह से रिमूव करेंगे, यहाँ से कर देंगे राइट। गाइस काफ़ी तो कमाल की यहाँ जो आपकी फ़ोटो नज़र आ रही है, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग बैक आ जाएंगे गाइस। और बैक आने के बाद आपकी बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं, फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की यहाँ पर हो रही है। तो गाइस इसको सेव कैसे करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये वाली फ़ोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। गाइस इस तरह की आप लोगों को रिलेटेड वीडियो मेरी चैनल पर मिलती रहेगी। तो गाइस इसके लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।